Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, assalamu alaikum. I am Asif Saeed, class 10th. I am your mathematics teacher. Today is Wednesday, 8th of April 2020. Now we are starting our lecture number 5. Today our classwork is miscellaneous exercise number 1. Beta, humne पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 की 1.1 और 2 कर ली हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स बना ली हमने, उसको सॉल्व कर लिया फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से. यही तीनों वे हैं जिससे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब इनसे रिलेटेड जो मिसलिनियस या रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में, ये हमने आज करने हैं जो कि इनसे रिलेटेड है. अब यहां पे दिया हुआ है इसको सॉल्व करें. तो बेटा इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या इसके फैक्टर बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला. मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व किया है. ये देखिए आपने पिछली पूरी एक्सरसाइज की है, आपको पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है जो a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है. अगर प्लस का साइन है अमाउंट्स के साथ तो वो हम नहीं लगाते, लेकिन अगर माइनस है तो वो मेंशन करना जरूरी है. फिर हमने यहां पे फार्मूला राइट किया, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है ओवर 2a. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू b की जगह 2 आ गया माइनस फार्मूले वाला, प्लस माइनस ये आ गया b स्क्वायर यानी 2, ये है b की वैल्यू उसका स्क्वायर, माइनस ये आ गया 4, ये आ गया a की वैल्यू है 1, वो ये आ गई, c की वैल्यू है माइनस 2, वो ये आ गई ओवर 2, ये आ गया 2 और a की जगह 1 है वो आ गया. अब देखिए माइनस 2 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 बाय 2, 2 1 जा 2. x is equal to minus 2 वैसे ही आ गया, plus minus वैसे आ गया, 4 और 8 को plus किया 12 आ गया, by 2 आ गया. अब देखे बेटा ये वैसे ही आ गई, ये वैसे ही आ गई, ये जो होता है ये मैंने आगे वजाहत की है, ये देखे कि ये जो होता है 4 3 जा होता है. अब 4 का जो स्केयर रूट होता है वो होता है 2, वो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही रहेगा, by 2 ये नीचे आ गया. अब देखें अगली टर्म में इन ये एक अमाउंट है माइनस 2, प्लस माइनस के बाद ये वाली एक है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, यहां माइनस 1 बच गया, प्लस माइनस यहां से 2 चला गया, यहां 1 बचा, वो लिखते नहीं होते हम, 3 यहां आ गया बाय नीचे 2 उसके है. अब ये जो 2 है इससे ऊपर वाला 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और यही इसका सॉल्यूशन सेट है. 10 सॉल्यूशन सेट, एसएस का क्या मतलब है, सॉल्यूशन सेट इज दिस, और ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आपने. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट ये सिलेक्ट किया मैंने. पिछला क्वेश्चन हमने किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ये हम इंशाल्लाह करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से. अब देखें ये अमाउंट है, इसमें 3x प्लस 18 के ऊपर स्केयर रूट है और दूसरी साइड पे x है. जब स्केयर दिया हुआ हो तो स्केयर रूट लेके स्केयर कैंसिल करते हैं, जब स्केयर रूट दिया गया हो तो स्केयर लेके स्केयर रूट कैंसिल करते हैं. अब देखें दोनों अतराफ में हमने इसका स्केयर लेना है ताकि ये वाली अमाउंट फ्री हो जाए स्केयर रूट से, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्केयर on both sides, taking square on both sides. अब देखिए इसका भी square लिया, इसका भी square लिया, इसके बाद ये जो square होता है ये square root से
कट हो जाता है, ये आप जानते हैं, ये कट हो गया, ये अमाउंट फ्री हो गई, वैसे की वैसे ही आ गई। इसके बाद अब देखें, ये अमाउंट तो फ्री हो गई, इससे इसके ऊपर 2 आ गया। अब हम ये है एक्स स्क्वायर वाली अमाउंट, ये अपनी जगह मौजूद रहेगी, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का अपनी जगह मौजूद है, जो अमाउंट जगह चेंज करती है उसका लिखना दूसरी तरफ जरूरी नहीं होता, उसका साइन चेंज करने का मकसद यही होता है कि उसने अपनी जगह चेंज कर दी, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताई थी कि जो मिड वाली अमाउंट होती है एक्स वाली, उसको हम दो हिस्सों में इस तरफ उसके फैक्टर बनाते हैं कि जो नए आने वाली अमाउंट होती है अगर उनको प्लस करें या माइनस करें तो सेम यही अमाउंट बने साइन समेत, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो जो साइड वाली दोनों अमाउंट कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके आए वो बने। अब देखें 6x और 3x, अगर हम माइनस का 6x लेते हैं और प्लस का 3x लेते हैं तो 6 में से 3 माइनस हुआ तो ये आ गया माइनस का 3x, क्योंकि बड़ी अमाउंट माइनस की है, तो एक शर्त पूरी होगी। दूसरी कंडीशन, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने से ये माइनस का 18 है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 18 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 3 18, एक्स एक्स के साथ इसकी पावर प्लस हुई, जब दो अमाउंट मल्टीप्लाइड हो तो पावर प्लस होती है, तो एक्स स्क्वायर बना। और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस करते वक्त तो आपको पता है कि बड़ी अमाउंट का साइन हम देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड करते वक्त जो साइन बने वही हमने लगाना है। इसके बाद जनाब, अब इन दोनों में से बेटा एक्स कॉमन आया, बाहर आ गया, यहां एक्स बच गया, यहां पे माइनस का 6 बच गया, एक्स चूंकि बाहर चला गया। इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन लिया, यहां एक्स बच गया, और यहां 3 6 18 होता है, माइनस 6 आ गया। अब ये अमाउंट सेम है, ये एक ही बार लिखेंगे, समझ ले कॉमन आ गई, ये इसके साथ मिला के लिखते हैं, इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल कर लिया, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 उधर गया, प्लस का हो गया, माइनस का था, 0 में प्लस हुआ, 6 ही रहा। इसी तरीके से 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये साइन चेंज हो गया, 0 है इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। सो माइनस 3 एंड 6 आंसर है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये कर लिया, अगर आप जरा बुक अपनी खोलें, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग्स, इसके जो पार्ट्स यहां पे दिए गए हैं वो है 10, उसमें जो लास्ट 4 हैं वो हैं डेफिनेशंस, वो अलग से करनी है, लेकिन जो इसके 6 पार्ट्स हैं उसमें जो दूसरा है वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, 5x2 इज इक्वल टू 15x, तीसरे वाले को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कर चुके हैं, तो वो बेटा आपने बिल्कुल उसी तरह सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, 2 का 4th पार्ट, उसमें उसने कहा है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम तीनों मेथड से ये सॉल्व कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसके 3 मेथड हैं, तीनों मेथड से हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये 3 मेथड आपने नाम लिखना है। और इसका जो 5th पार्ट है, 2x-1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल 9/4, इसको आपने हल करना है, पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, फिर आगे जिस तरीके से ये हमने हल किया इसी तरीके से फैक्टराइजेशन से हल करना है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है मुख्तलिफ, जो हमने ये 10th क्लास का ग्रुप बनाया है उसमें मैं भी ऐड हूँ, बाकी टीचर्स भी हैं, तो अगर आपने, आपको कोई काम के सिलसिले में कोई मसला दरपेश हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, वो मैं राइट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर और ग्रुप में भी होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
ये नंबर काफी बच्चों के पास मौजूद है पहले भी आपके, आप इस पे डायरेक्ट भी रابطہ कर सकते हैं और ग्रुप में भी। और ये जो वर्क है आपने अब करके पिछली एक्सरसाइज, ये मुझे शो कराना है आपने, ये आज होमवर्क डे नहीं इसलिए होमवर्क नहीं मिलेगा, पिछला काम जो है वो आपने मुझे कल को थर्सडे को यानी कि कल थर्सडे शाम तक पिछला सारा काम आपने शो करवाना है तमाम स्टूडेंट्स ने, बेशक ग्रुप में या मेरे नंबर पे आपने सेंड करके वो शो करवाना। इसी तरीके से मैं काम भी चेक किया कर लिया करूंगा और साथ में टेस्ट भी हुआ करेगा और फिर मैं आपसे रابطے में भी रहूंगा। थैंक यू।